अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छोटे बच्चों के लिए खीर बनाने जा रही हूँ, उसको भरडी भी बोलते हैं। ये मैंने चावल ली हूँ 100 ग्राम, 1 कप है, और 50 ग्राम मूंग की दाल। ये धो के चावल और मूंग की दाल एक साथ में धो के भी लिए तो चल सकता है, मैंने अलग अलग आपको बताने के लिए अलग अलग ली हूँ। ये डालडे के जगह पे आप गावटी घी का इस्तेमाल करो, छोटा छोटे बच्चे हैं, 5-6 महीने के स्टार्ट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे अजवाइन है और बादाम के से बारीक बारीक चॉप करके ली हूँ मैंने इसमें भुनने के लिए। स्टार्ट करती हूँ, ये लगनी रखी हूँ मैं और गैस चालू की हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। चावल को धो के मैंने इसे सुखा के ली हूँ, थोड़ा सा हल्का हल्का छन्नी में ऐसे रख के हवा पे सूख जाते हैं वो। मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं चावल डाल रही हूँ और ये मूंग की दाल भी। इसको ज्यादा से ज्यादा बना के आप स्टॉक करके रख सकते हैं, इसकी पाउडर जैसी बनती है। बारीक घी में आंच पे इसको भून के लेंगे। इसमें मैं अजवाइन भी डाल रही हूँ और ये बादाम के 3 बादाम ली थी मैंने। अजवाइन 1/4 चम्मच ली है, उतना ही डालना, ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा भी बना के रख सकते हो उसको, 1/4 किलो का ऐसा 750 ग्राम। इसमें 100 ग्राम मूंग की दाल, 8-10 बादाम, 1/2 चम्मच अजवाइन, ऐसा बना के उसको पीस करके स्टॉक करके रख सकते हैं। और फिर सुबह में आगे का ये बताती हूँ मैं आपको कैसा बनाने का है। ये मिक्सर में बारीक पीस के लेंगे ठंडा होने के बाद। 5 मिनट में भून के ली हूँ ये, अच्छे फ्राई करिए करके। अभी मैं इसको ग्राइंड करती हूँ मिक्सर में, बारीक अच्छे से बारीक करके ली हूँ मैं। बॉटल में भी पिला सकते हैं आप उसको, इतना बारीक करके लेना है। थोड़ा सा बॉटल का निप्पल का होल ज़रा बड़ा करेंगे उसको, इतना बारीक की हूँ मैं। आप इसको 15 दिन भी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि भुनेला आटा है, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। इसमें टाइट डिब्बे में ऐसा बंद करके रखेंगे इसको। अभी बनाती हूँ आगे का। मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, साफ देगचा ली हूँ मैंने छोटा स्टील का, ये 2 चम्मच का मैं बना रही हूँ। इसमें शक्कर डालूँ, 1.5 चम्मच शक्कर है, बच्चों को भी वैसे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं रहता है। मैंने ठंडे पानी में ही पहले ही डाला है इसको, ताकि गुठलियाँ ना हो बोल के। अच्छे से पका के लेंगे 1 गिलास के अंदर, फिर दूध ऐड करेंगे इसमें। मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक, चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। अच्छा बच्चा कितना 2-3 बॉटल पीता है, वैसे तो उस हिसाब से पानी डाल के बना सकते हैं आप। 2 चम्मच डालना है, 4 चम्मच डालना है, ऐसा मैं आधा बॉटल दूध आधा ये भी मिक्स करके पिला सकते हैं उसको। मैंने अपने बच्चों को यही पिलाए थे। अच्छे से पक चुकी है, इसमें अजवाइन की खुशबू, मैं दूध ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से पकने देंगे दूध में। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अल्लाह आपके बच्चों को अच्छा रखे, नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।